बच्चों तुम्हारे क्लास टू के लिए विलोम शब्द, ठीक है। देखो ये लड़का मोटा है और ये पतला है ना। मो में ओ की मात्रा मो, ट में आके मात्रा टा, और प त ल में आके मतलब ल में आके मात्रा ला, पतला, मोटा पतला। तो ये क्या हुआ विलोम, मतलब इसका ठीक उल्टा है ये, या इसका उल्टा ये है। ये मोटा है तो ये पतला है, ये पतला है तो मोटा है, इसी को विलोम शब्द बोलते हैं। वा में छोटा एक मात्रा वी, ला में ओ की मात्रा लो, म विलोम, तालब श ब द संयुक्त शब्द, विलोम शब्द। इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स, ए एन टी ओ एन वाई एम एस, एंटोनिम्स, ठीक है। और इसको अपोजिट भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो ग र म में बराई की मात्रा मी, गर्मी, तो गर्मी का क्या है स र द में बराई की मात्रा दी, सर्दी, गर्मी का, गर्म का, ठीक है, ठंड भी होता है, ठ उपरंगस्वर ड ठंड, है ना। गर्मी का सर्दी या सर्दी का गर्मी, विलोम शब्द हुआ, ठीक है। यहाँ देखो ब बड़ा र में आ की मात्रा रा, बड़ा, हाथी क्या होता है बड़ा जानवर होता है, लेकिन ये कौन है चूहा, चूहा कैसा होता है छोटा, छ में ओ की मात्रा छो, ट में आ की मात्रा टा, छोटा, बड़ा का छोटा, या छोटा का अपोजिट क्या होगा बड़ा, बड़ाऊ प र ऊपर, ठीक है। तो ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा नीचे, नौ में बड़ा की मात्रा नी, चौ में एक की मात्रा चे, नीचे। ये चिड़िया देखो आकाश में उड़ रही है, ऊपर ऊपर आकाश में उड़ रही है, लेकिन ये चिड़िया छोटी चिड़िया नीचे बैठी है पेड़ पे, ठीक है। तो अब तुम्हारी किताब में जो कुछ विलोम शब्द है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। देखो ए क एक, अब इसका विलोम शब्द क्या होगा अ, नौ में एक की मात्रा ने, क अनेक, एक अनेक, एक मतलब सिर्फ एक और अनेक मतलब बहुत, ठीक है। एक का अनेक विलोम शब्द होगा तो अनेक का एक होगा, ठीक है। कभी ये देगा तो तुमको ये लिखना है और ये देगा तो ये लिखना है, ठीक है। ग में बराई की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, गीला, तो गीला का क्या होगा स में बराओ की मात्रा सू, ख में आ की मात्रा खा, सू खा, गीला का क्या होगा सूखा, ठीक है। न य में आ की मात्रा या, नया, तो नया का क्या होगा प में छोटा होगा मतलब पू, र में आके मात्रा रा, न में आके मात्रा ना, पुराना, नया का पुराना। आ और न में आके मात्रा ना, आना, आना का क्या होगा ज में आके मात्रा जा, न में आके मात्रा ना, जाना। आना का क्या होगा बच्चों जाना, देखो आना और जाना। अब देखो ये पांचवा नंबर में सौ में छुटाऊ की मात्रा सू, ब ह, सुबह, तो सुबह का विलोम क्या होगा तालब सौ में आ की मात्रा शा, म शाम, सुबह शाम। एक अनेक, गीला सूखा, नया पुराना, आना जाना, सुबह शाम, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं अ, च छ संयुक्त आ की मात्रा अच्छा, अच्छा का क्या होगा ब में छोटा ऊ की मात्रा बू, र में आ की मात्रा रा, बुरा, अच्छा का बुरा या खराब भी लिख सकते हो, ख र में आ की मात्रा रा, ब खराब। अब देखो और दूसरा है द में बड़ा ऊ की मात्रा दूर, र दूर, दूर का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों पास, प में आ की मात्रा पा, स पास, दूर का पास, पास का नज़दीक भी होगा न, ज द में छटाई की मात्रा दी, क नज़दीक, ठीक है। ऊ ठ न में आ की मात्रा ना, उठना, उठना क्या होगा ब में आई की मात्रा बई, ठ न में आ की मात्रा ना, बैठना, उठना का बैठना। ये देखो अ ऊपर चंद्रबिंदु, ध में ए की मात्रा, र में आ की मात्रा रा, अंधेरा, अंधेरा का क्या होगा ऊ, ज में आ की मात्रा जा, ल में आ की मात्रा ला, उजाला, अंधेरा का उजाला। आ ग में ए की मात्रा गे, आगे का क्या होगा प में बढ़ेगा पी, छ में ए की मात्रा छे, पीछे, आगे का पीछे। अच्छा बुरा, दूर पास, उठना बैठना, अंधेरा उजाला, आगे पीछे।
और आगे पढ़ते हैं। द में छटाई की मात्रा दी, न दिन क्या होगा विलोम शब्द, र में आ की मात्रा रा, तो रात, दिन रात है ना। अभी क्या हो गया, रात सॉरी दिन है और 12 घंटे के बाद क्या होगा, रात हो जाएगा ठीक है। ग र म गरम, तो क्या होगा, ठ ऊपर अंशवा, ड में आ की मात्रा डा, ठंडा गरम ठंडा, ह ऊपर चंद्रबिंदु, स नौ में आ की मात्रा ना, हंसना, तो हंसना का क्या होगा बच्चों, र में ओ की मात्रा रो, नौ में आ की मात्रा ना, रो ना, हंसना का क्या होगा, रो ना। ब में आ की मात्रा ए, ऊपर चंद्रबिंदु, बा ए, तो क्या होगा, द में आ की मात्रा ऊपर चंद्रबिंदु ए, दाएं, बाएं का क्या होगा, दाएं है ना, बाएं मतलब लेफ्ट और दाएं मतलब राइट। ओ ऊपर अंशवार, द र अंदर, तो अंदर का क्या होगा, बाहर, ब में आ की मात्रा बा, ह र बाहर, अंदर बाहर, दिन रात, गर्म ठंडा, हंसना रोना, बाएं दाएं, अंदर बाहर। फिर से मैं पढ़ाता हूँ, एक अनेक, गीला सूखा, नया पुराना, आना जाना, सुबह शाम, अच्छा बुरा, दूर पास, उठना बैठना, अंधेरा उजाला, आगे पीछे, दिन रात, गर्म ठंडा, हंसना रोना, बाएं दाएं, अंदर बाहर। अब तुम्हें मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, तुमको उसको करना है। ठीक है, उ ल टॉमे की मात्रा टे, उल्टे मतलब विलोम, व में छटे की मात्रा, ल में ओ की मात्रा, म विलोम, अ थ के ऊपर र रेप अर्थ, व में आ की मात्रा, ल में ए की मात्रा, ले वाले, तालब श, ब द संयुक्त, ओ की मात्रा अंशवार, शब्दों पर प र पर, ये टिक यानी इसको सही निशान बोलते हैं, स ह में बड़ाई की मात्रा ही, सही, क में आ की मात्रा का, न में छोटे की मात्रा नी, तालब श में आ की मात्रा सा, न निशान, ल ग में आ की मात्रा ई ए लगाइए, उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर सही निशान लगाइए। यहाँ क्या है, ग र म में बड़ाई की मात्रा मी, गर्मी, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है ठीक है, इस दो ऑप्शन में से जो सही होगा उसको टिक करना तुम्हें। र में आ की मात्रा रा, तो रात, यहाँ भी दो ऑप्शन है, दो विकल्प है, जो सही होगा उसको टिक करना है। यहाँ देखो, म में ओ की मात्रा मो, ट में आ की मात्रा टा, मोटा, इसमें से जो सही होगा उसको टिक करना है। और चौछ संयुक्त, आ की मात्रा अच्छा, अच्छा का भी इसमें जो टिक जो होगा वो करना है ठीक है। अब दूसरा, ये भी तुमको हम होमवर्क दे रहे हैं, उ ल ट में की मात्रा उल्टे, अ थ के ऊपर र रेप अर्थ, व में आ की मात्रा वा, ल में की मात्रा ले वाले, तालब श, ब द संयुक्त, ओ की मात्रा अंशवा, शब्दों, क में आ की मात्रा का, म में छुटाई की मात्रा मी, ल में आ की मात्रा ला, न मिलान, क में बड़ाई की मात्रा, ज में छुटाई की मात्रा ए कीजिए, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए, विलोम शब्द। यहाँ देखो, ह स न में आ की मात्रा ना, हंसना, स में छुटाओ की मात्रा सुबह, सुबह, ख में छुटाओ की मात्रा खू, तलब श, ब में बड़ाओ की मात्रा बू, खुशबू, अ ग ल में आके मात्रा अगला, आज आज, न य में आके मात्रा या नया, इधर है प में छुटेंगे पी, छ ल में आके मात्रा ला पिछला, प में छुटेंगे र में आके मात्रा, न में आके मात्रा पुराना, क ल कल, ब द ब में बड़ा पू बदबू, तलब श में आके मात्रा म शाम, र में आके मात्रा रो, न में आके मात्रा ना रोना, तो हंसना का रोना एक टिक लगाया, बाकी तुम्हें लगाना है, ऐसे टिक लगाना है या स्ट्रेट ऐसे लिखोगे, ह स न में आ की मात्रा ना, हंसना का क्या होगा, रोना, परीक्षा में ऐसे लिखना है ठीक है, ये आंसर लिखना है ठीक है बच्चों। तो आज तुम्हारा इतना रहा, तुमको अच्छा से याद करना है और परीक्षा का तैयारी, अब जो पढ़ा सब रहे हैं वह सब तुम्हें एनुअल एग्ज़ाम में आएगा,
और शायद अब देखो स्कूल कब खुलता है, पेंडेमिक खत्म होने के चांस है कि कोरोना का ये आ गया वैक्सीन का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।